शक्ति और पोषण से भरपूर फल कीवी पिछले कुछ दशकों से विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। देश में इसकी बढ़ती मांग के चलते यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक फल के रूप में भी उभर कर सामने आया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए भी ये फल वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी देहरादून के स्थल गांव के तरबलिंग बौद्ध संस्थान में कीवी उत्पादन से जुड़े किसानों ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश भर के लगभग 300 कीवी उत्पादकों ने प्रतिभाग किया। आयोजन की जानकारी मीडिया को देते हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि फेस्ट में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सोलन हिमाचल यूनिवर्सिटी के कीवी विशेषज्ञ डॉक्टर चंदेल, नीति आयोग की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम पटेल, कैनेडियन कंपनी क्रैम्बो के डॉक्टर राजेंद्र सिंह, दुर्गा सीड एंड नर्सरी के मोहिंद्र सिंह, काशा विनियर्ड प्रतिनिधि डॉक्टर नवीन नैनवाल और 11 से ज्यादा कंपनी के प्रतिनिधि और देश के विभिन्न राज्यों से 200 से ज्यादा कीवी उत्पादकों ने भाग लिया। आज यहाँ पर जो नेशनल कीवी डे था, ये मेरे ख्याल भारत की सबसे पहली पहल मानता हूँ, क्योंकि कीवी कल्टीवेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हिमाचल आया, उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गया, उसके बाद उत्तराखंड में आया। तो अभी तक मैं ये नहीं देखा कि किसी ने कीवी की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दिया हो। ये कीवी को हम माइनर फ्रूट की उसमें कैटेगरी में डालते थे, पर यहाँ जो उत्तराखंड ने ये पहल की है, हो सकता है कि ये आने वाले समय के लिए जितनी भी हमारी कीवी ग्रोइंग स्टेट्स है उनके लिए एक ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आने वाले टाइम में, और दूसरी स्टेट भी इसको इस तरह से नेशनल कीवी डे के रूप में मनाएगी। और नर्सरी की जहाँ तक बात की जाए, कई प्रकार नर्सरियाँ होती है। अगर नर्सरी की बात करें, सबसे पहले चीज़ आती है कि हमारे को जहाँ भी फार्मर्स को जाना है, पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी नर्सरीज होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड नर्सरीज होती है, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट नर्सरीज होती है, अगर वो रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या गवर्नमेंट के साथ है, उनसे पौधे लेने भी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडरटेक होती है और क्वालिटी की तरफ वहाँ ध्यान दिया जाता है। कीवी से तैयार उत्पादों के 10 से ज्यादा स्टॉल भी लगाए गए। आयोजकों के अनुसार इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ों में करीब 70 से 80 टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2025 तक इसे करीब 1000 मेट्रिक टन सालाना उत्पादन तक पहुंचाने की संभावना है, जिसके लिए सरकारी प्रोत्साहन और ठोस नीतियों की दरकार है। साथ ही कीवी उत्पादक के सामने आ रही चुनौतियों और उनके समाधान हेतु विभिन्न विकल्पों की तलाश पर भी चर्चा की दरकार है। देखो, एक किस्म की जो नई क्रॉप्स हैं और जो जिनकी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, किसान हमेशा प्राइस के लिए रोता है। पर ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे मतलब कीवी है, ब्लूबेरी है, एवोकाडो है, जिनके ऊपर जो आज डिस्कशन हुई, ये ऐसी क्रॉप्स हैं कि जो कि आपको हमेशा ही प्राइस जो है बहुत अच्छा मिलता है किसानों को। हमारा सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इन क्रॉप को उगाने के लिए जलवायु जो है ये पहाड़ों में ही उगाई जा सकती है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, ठीक है ना। तो यहाँ के किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग भी बहुत कम है ना, मतलब छोटे छोटे किसान हैं। अगर लोग बीघा दो बीघा में भी इस तरह की क्रॉप्स लगाएं, तो वो अपने लिए वो पूरे साल भर के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि टूरिज्म भी अच्छा बढ़ रहा है यहाँ पे पहाड़ों में, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे कश्मीर है। तो मतलब जहाँ टूरिस्ट आता है, तो वहाँ इस तरह की फ्रूट भी हम डायरेक्ट टूरिस्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे ये बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट है, अब सुना है कि 20-25 लाख साल भर में लोग आते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप रोड साइड पे कहीं भी, मतलब हमारे जो ग्रोअर हैं, लोकल ग्रोअर हैं, वो बेच सकते हैं इस तरह के फ्रूट। तो मुझे तो काफ़ी स्कोप नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं तो लगभग 30-32 कंट्रीज़ में जाके मैंने देखी है हॉर्टिकल्चर के अलग अलग तरह की क्रॉप्स। यहाँ थोड़ा सा क्या है ना कि हम लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो ज़मीनें अच्छी हैं, थोड़ा सा क्या है कि प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकार को भी ये चाहिए कि जो इस तरह की जो फसलों के लिए जानकारी, उनके लिए जो प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे,
या कुछ सुविधाएं इस तरह की तो देनी होंगी, क्योंकि जो 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 आपका जो पारंपरिक जो तरीके से जो काम चल रहा है उससे तो हटके काम करना पड़ेगा। इससे एक तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, जो यूथ है हमारा, क्योंकि उसको भी आपने ये सेक्टर ऐसा है जो कि बड़ा अच्छा एम्प्लॉय कर सकता है और उसको भी रोजगार दे सकता है।